मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट. इन अवर प्रीवियस क्लास वी हैव डन द चैप्टर नंबर 7, दैट वॉज फोटोशॉप. सो बेसिकली वेन वी नो अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, सो फर्स्ट थिंग, वॉट इज इंटरनेट, इट कम्स इन अवर माइंड. सो वॉट इज इंटरनेट? द इंटरनेट इज द मेन थिंग विच मेक्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर अस. इट्स वेरी क्विकली एंड इजीली मैन. सो बेसिकली द इंटरनेट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट. पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन. Understand? Suppose a person have internet connection, that person only can connect with the overall world and get any information which is available on the internet. ठीक है, internet connection से होने पर ही हम क्या कर सकते हैं बेटा, कोई भी information को easily search कर सकते हैं, उसे peoples के साथ क्या कर सकते हैं, share कर सकते हैं. So this is the help of internet. Basically ये हमारा क्या होता है, internet होता है. So now move to the next, that is online education. So what is online education? With the help of internet, we create a virtual classroom. As you all aware about the online education, it must going on since last year. So you are at home, we are giving you a class through the internet. Without internet, it is not possible for online education. So an online, yes, an online classroom is an environment that is created through use of learning management system that allows students and teachers to connect either synchronizationally real time with teacher and student meeting at the same time. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. आप सबको पता है ऑनलाइन एजुकेशन का, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना. रियल टाइम में मींस मैं यहाँ से क्लासेस दे रही हूँ आपको एंड यू आर अटेंडिंग फ्रॉम देयर. ठीक है, सो अनदर एनवायरनमेंट जो होता है असिंक्रोनसली, उसमें क्या होता है, हम वीडियोज़ वगैरह जो आपको डालते हैं उसमें रियल टाइम नहीं होता कि हम आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं, यू कैन वॉच इट लेटर, आप उसे बाद में भी देख सकते हैं. ठीक है, दिस इज द मेन ऑनलाइन एजुकेशन. आफ्टर ऑनलाइन एजुकेशन द एग्जाम दैट कंडक्ट इन एन ऑनलाइन पैटर्न, दैट इज ऑनलाइन एग्जाम, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम कहते हैं. ठीक है, ये एक न्यू टेक्निक है विच इज हेल्प अस टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन थ्रू द इंटरनेट. ठीक है, रिक्रूटर्स भी होते हैं, वो भी इसी को यूज करते हैं इंडिया में और अब्रॉड में. जब भी किसी की वैकेंसीज होती हैं, आपको पता है आजकल सब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया है. सो द एग्जाम जो होते हैं वैकेंसीज के, ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं. सो एन ऑनलाइन एग्जाम ऑल्सो कॉल्ड एन ई एग्जाम इज अ ग्रेट वे ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की हेल्प से हम कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं. एंड ऑनलाइन एग्जाम नीड्स अ डिवाइस, एक डिवाइस की जरूरत होती है विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेसिंग दस इंटरनेट, जिसके अंदर इंटरनेट अवेलेबल हो, सच एज कंप्यूटर और स्मार्टफोन. कंप्यूटर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, हमारा स्मार्टफोन भी हो सकता है. ठीक है, सो इसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम को सेंटर पे भी दे सकते हो और होम पे भी दे सकते हैं. आफ्टर गिविंग द ऑनलाइन एग्जाम कम्स टू द ऑनलाइन रिजल्ट. रिजल्ट क्या होते हैं, रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर होते हैं. रिजल्ट विल डिक्लेयर ऑन द पर्टिकुलर वेबसाइट ऑफ योर स्कूल. ठीक है, स्कूल की वेबसाइट पे या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं. तो जो ऑनलाइन हम रिजल्ट्स को अवेलेबल कराते हैं फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर द कैंडिडेट्स, तो दैट इज नोन एज ऑनलाइन रिजल्ट. ठीक है, सो नाउ आफ्टर द ऑनलाइन रिजल्ट मूव टू द डाउनलोडिंग. व्हाट इज डाउनलोडिंग? डाउनलोडिंग मीन्स रिसीविंग डेटा और अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट ऑन योर कंप्यूटर. इंटरनेट से कोई भी चीज को हम डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में, दैट इज डाउनलोडिंग. एंड अपलोडिंग क्या होता है, कि वेन वी अपलोड समथिंग
और सेंडिंग डेटा टू अ फाइल टू द कंप्यूटर और इंटरनेट, किसी और पर्सन को जब हम भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे अपलोड करते हैं, दैट इज नोन एज अपलोडिंग. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज फाइंडिंग पीपल ऑन इंटरनेट. हाउ वी कैन फाइंड द पीपल्स ऑन इंटरनेट, कैसे ढूंढ सकते हैं? सिंपल, इन द सोशल नेटवर्किंग साइट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड एनी पीपल और एनी पर्सन इन द वर्ल्ड. हम किसी को भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं इफ द पर्सन हैज एन अकाउंट ऑन द इंटरनेट, जिसका इंटरनेट पे क्या हो, अकाउंट हो. ठीक है बेटा, फॉर टुडे वी कवर ओनली दीज टॉपिक्स, द नेक्स्ट एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक